So students, today we are going to do very interesting topic of EVS. Now can you see your favorite pet animal? Yes, today we are going to do the topic name is domestic animals. See, now I am going to take a small tour of this whole farm. And I will introduce you all the domestic animals. See, student? Yes, it's so beautiful farm. Yes, now you can see. What you can see here? आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? Can you see animals? Yes, domestic animal. Come on, first one. Dog, yeah. Dog क्या करता है? Dog guards our house. और आपको बहुत अच्छा लगता है dog, आप pet के जैसे उसको घर पे भी रखते हो, yeah. Okay. Now we come to cat. Meow, meow. Yes, a cat. Cat भी आप बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स आती है, आपको पता है. सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्शियन कैट, इट्स दैट इज सो ब्यूटीफुल, यू नो. यस, सो दिस इज कैट. ओके, कैट को क्या अच्छा लगता है पीना? लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. सी, नाउ वी कम टू गोट. गोट, यस, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है ये? ये पानी है, वॉटर. एनिमल्स ऑल्सो नीड वॉटर. ओके, दे ऑल्सो फील थर्स्टी, उनको भी प्यास लगती है, तो हमको उनको भी बराबर टाइम से पानी वगैरह, उनके जो भी यूटेंसिल्स जिसमें चीजें हमें रखते हैं ना, उनका खाना, उनको हमेशा पानी वगैरह भी, बिकॉज दे एनिमल्स, वो बोल नहीं सकते आपको, तो यू नो दे ऑल्सो नीड वॉटर. नाउ सी this shed, can you see? Yes, a horse. Riding के लिए horse काम आता है ना? Yes, जब आप दमन जाते हो, आपने beach पे देखा है horse riding करते हो? Yes, तो horse race भी होती है. It's a horse. This is what? This is ox. Yeah. Now we come to काउ. यस, काउ क्या करती है? आप काउ क्या करती है, बोलो बोलो. यस, यू ड्रिंक मिल्क. मिल्क कहाँ से आता है? काउ गिव्स अस मिल्क. व्हाट डज द काउ डू? काउ गिव अस मिल्क. यस, आपके गांव में, बहुत लोगों के गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि काउ रखते हैं अलग से, उनको शेड होते हैं उनके. यस, तो उसमें वो. एंड व्हाट डज द काउ ईट? काउ ईट ग्रास. यस, एंड यस, और उसके बाजू में कौन सा एनिमल है? यस, अ डोंकी. एंड डोंकी, व्हाट डज द डोंकी डू? डोंकी कैरीज लोड. व्हाट डज द डोंकी डू? डोंकी कैरीज लोड. छोटे छोटे डिस्टेंस में, गांव में थोड़ा सा सामान लेके जाने के लिए किसके? डोंकी ऑल्सो कैरी लोड. सो चिल्ड्रन, दीज आर सम, आई विल एक्सप्लेन यू सम डोमेस्टिक एनिमल. पर आपको पता है कि ये सब एनिमल्स जब बीमार हो जाते हैं तो उनको कौन से डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है? वेटरिनेरियन. ये डॉक्टर जो उनका एनिमल का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? वेटरिनेरियन. ओके, या उनका डॉक्टर अलग होता है. हम लोग जो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनका डॉक्टर वो नहीं होता है, एनिमल्स का डॉक्टर अलग होता है. ओके, पर आपको पता है हाउ? नाउ आई कम टू द पॉइंट. सी, यू कैन सी द डॉग. यस, तो डॉग, हॉर्स, गोट, काउ, डोंकी, ऑक्स, कैट, दिस आर एनिमल्स. जैसे कि और भी पेट एनिमल्स जैसे है, हैंस है, रैबिट है, शिप है. शिप क्या देती है? शिप गिव्स यू वुल. ओके,
एंड कैमल ऑल्सो इज देयर. कैमल इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट एरिया. तो स्टूडेंट्स आपको पता है इनको हम लोग को जैसे हम पेट एनिमल्स को रखते हैं, ओके, वी कीप दिस ऑल पेट एनिमल्स. उसके साथ हमारी ड्यूटी होती है कि उनको हमको सेफ एंड क्लीन भी रखना चाहिए. वी टूड उनके लिए भी हमको अलग से जहाँ पे वो रहते हैं. तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग अगर डॉग्स वगैरह आपके घर पे पेट एनिमल्स क्या है, डॉग्स, बफेलो, एवरीथिंग जो आप रखते हो, यू नो वी हैव टू कीप देम क्लीन एंड सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑल्सो. क्योंकि जब आप डॉग रखते हो उसकी सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक हाइजीनिक अनहाइजीनिक चीजें होती है. जैसे उनकी सराउंडिंग क्लीन नहीं होगी तो वो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीजें अनहाइजीनिक हो सकती है, उससे काफी डिजीजेस भी हो सकती हैं. तो इसीलिए हमको पेट एनिमल्स को भी क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उनका फूड देना चाहिए, वाटर उनको देना चाहिए, ओके, एंड वी शुड क्लीन देम ऑल्सो वेरी नाइसली. ओके, सो दिस वे स्टूडेंट, दिस वे आई हैव एक्सप्लेन यू द some of the domestic animals and many more are there. जैसे मैंने आपको बताया था rabbit भी है, hen है, cock है, okay, sheep is there and camel is there. So there are many other domestic animals also. Okay student, hope you all like this small tour of this at this farm. So hope you all understood nicely this concept, domestic animal. Bye student.